दोस्तों अगर आप भी सुमन गिल की बल्लेबाजी से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने कस ली कमर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए रोहित शर्मा ने एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे पार कर पाना कंगारू के बस की बात नहीं लग रही है। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या है रोहित शर्मा का मास्टर प्लान, उन्होंने किस खिलाड़ी को किया बाहर और किसे दिया टीम में मौका, दिखाएंगे रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस पल का सभी क्रिकेट प्रशंसक को बहुत इंतजार था वह घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का गजब प्रदर्शन रहा। वनडे सीरीज में विरोधी टीम का सुपड़ा साफ करने के बाद हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का T20 श्रृंखला में भी सफाया कर डाला। अब पूरे कॉन्फिडेंस में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भेजने वाली है। आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा ही मुकाबला कांटे का होता है। पिछली बार जब गावस्कर ट्रॉफी हुई थी तब भारतीय टीम ने गाबा का घमंड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के घर पर उन्हें बुरी तरीके से रौंदा था, जहां भारतीय बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा कई मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत की इबादत लिखी थी। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला नागपुर में होना है, जहाँ स्पिनरों के बहुत अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जोड़ी बेहद ही घातक साबित होने वाली है। आपको बता दें 9 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाला मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पर बारिश का कोई चांस नहीं है, ऐसे में प्रशंसकों का एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला सीरीज बेहद रोमांचक और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराना ही होगा। अगर टीम इंडिया ऐसा नहीं कर पाती है तो भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना टूट जाएगा। हालांकि अपने घर पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहद मजबूत है। वैसे में पिछली बार जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी तब टीम इंडिया से ही जीत दर्ज की गई थी। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बेहद ही खतरनाक मास्टर प्लान बनाया है। आपको बता दें उन्होंने पहला मुकाबला जीतने के लिए बेहद ही खतरनाक प्लान की भी तैयार कर लिया है, जहां पर उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी खुद के साथ इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल के कंधों पर रखी है। बता दें इस वक्त शुभमन गिल का बल्ला आग उगल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दोहरा शतक ठोकने वाले शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या की अगुवाई में खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोक दिया। उन्होंने खेले गए अपने आखिरी मैच में 63 गेंदों पर ताबड़तोड़ 126 रन ठोके थे और उनके इस प्रदर्शन का इनाम रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 के पहले 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी देकर किया है। अब उनके ऊपर कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वहीं उसके बाद नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा नजर आने वाले हैं। जी हां, चेतेश्वर पुजारा भारत के वे बल्लेबाज हैं जिन पर कप्तान रोहित शर्मा से लेकर करोड़ों भारतवासियों को बेहद उम्मीद है। पिछली बार जब भारत बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेला गया था तब चेतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज शतक जड़ा था और अब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी धाकड़ प्रदर्शन करना चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पर विराट कोहली नजर आने वाले हैं। इन दिनों विराट कोहली ऋषिकेश में बाबा दरबार में देखे गए, जब आशीर्वाद लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बल्ले से धमाल मचाना चाहेंगे। पिछले काफी समय से कोहली टेस्ट में शतक नहीं लगा पाए हैं, हालांकि वे इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और वे अपनी फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में बरकरार रखना चाहेंगे। टीम इंडिया की जीत काफी हद तक विराट के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। विराट के अलावा नंबर 5 पर विकेट कीपर की भूमिका में ईशान किशन नजर आने वाले हैं। जी हां, भले ही T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास ना रहा हो लेकिन उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी एक और मौका मिला है। ईशान किशन के ऊपर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो ऋषभ पंत निभाया करते थे। ऋषभ पंत की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और ऐसा बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा भी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी और निचले क्रम में बल्लेबाजी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के कंधों पर रहने वाली है। इन तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ अक्षर पटेल भी नजर आने वाले हैं। तीनों खिलाड़ी न सिर्फ स्पिन विभाग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाने वाले हैं बल्कि बल्लेबाजी करने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामत लाने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के कंधों पर रहने वाली है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपने खेले के पिछले सारे मुकाबलों में दमदार खेल निभाया है और अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाज दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी बेहतरीन रहा है और वो एक बार फिर से अपना वही प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला बेहद ही रोमांचक होने वाली है और इस सीरीज के लिए दुनिया भर के क्रिकेट फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों वैसे आपको
क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, विराट कोहली या रोहित शर्मा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।